तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं गैक न्यू वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में मैं ना कुछ व्हीकल्स को बनाऊंगा और हाँ, उनको मैं ना माइनक्राफ्ट में टेस्ट करूंगा कि वो वर्क करते हैं कि नहीं। भाई आप मेरी इन वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए होर और नए व्हीकल्स लेके आ रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले हम लोग ना एक हेलीकॉप्टर बनाएंगे, जिसके लिए मैं ना ऐसे थोड़ा ऊपर आ गई, क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर जमीन पे तो चलता नहीं है ना, आसमान में ही उड़ता है। तो पहले आपने ना यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगाना है और फिर इस वाले ब्लॉक को ना तोड़ देना है। ये मैंने टेम्परेरी ब्लॉक लगाया था। और फिर इसके पीछे आपने एक नॉर्मल पिस्टन लगाना है और उसके आगे एक स्लैम का ब्लॉक। तो फिर आपने ना इसके ऊपर ना एक स्टिकी पिस्टन, ओ भाई नीचे क्यों गिर रहा हूँ। फिर आपने इसके ऊपर एक स्टिकी पिस्टन लगाना है और इसके आगे दो स्लैम के ब्लॉक। फिर आपने इस वाली जगह पे आके ना यहाँ पे तीन ऑब्जर्वर लगाने हैं ऐसे करके इसके साथ ही। फिर आपने ना छह पिस्टन लगाने हैं ऐसे करके। और फिर इसके आगे ना आप डार्को के जो प्लैंक है ना उनको ऐसे करके तीन लगा देना, इस वाले को तोड़ देना। फिर आपने ना यहाँ पे दो स्लैम के ब्लॉक लगाने हैं, इस वाले को तोड़ दो, इसको उसकी कोई जरूरत नहीं है। और सेम ये चीज इधर भी करनी है और इसके सेंटर में आपने ना दो हनी के ब्लॉक लगाने हैं। और यूं ही इसके ऊपर आप ना तीन स्लैम के ब्लॉक लगा देना और साइडों पे दो हनी के। और फिर यहाँ पे नीचे आके ना आप दो ऐसे स्लैब लगा देना आगे करके, ऐसे करके दो आगे लगा देना स्लैब। इस वाली जगह पे एक स्लैम का ब्लॉक इधर भी और बीच में हनी का। यार रुको, पहले डे कर लेते हैं फिर, क्योंकि नाइट के अंदर कोई नजर ही नहीं आ रहा सही से। आपने इसको यहाँ से बढ़ाना है ऐसे करके और यहाँ पे स्लैम का ब्लॉक लगाना और इसके पीछे एक ओक का प्लैंक, डार्क ओक। ओके। और फिर इसके ऊपर ना ऐसे ग्लास का ब्लॉक लगा देना यहाँ पे इन वाली साइड में। और यहाँ से ना इसको बढ़ा करना ऊपर तक ऐसे करके। और फिर इधर एक स्लैब लगा देना, क्या दो के प्लैंक लगा देना। और ये वाली एरिया को ना सारा आप स्लैब से भर देना। तो ये कुछ ना ऐसा बन जाएगा भाई। ऐसा करते हैं, इसको रिप्लेस करके ना यहाँ पे ग्लास लगा देते हैं और इसको भी तोड़ के यहाँ पे ना एक फ्रॉग लाइट लगा लेते हैं। भाई फ्रॉग लाइट को ना इस यहाँ पे और एक इधर। और फिर यहाँ से ऊपर आना, इधर ना आपने एक ऑब्जर्वर लगाना है, उसका भी फेस ना से नीचे की तरफ रखना। और फिर इस वाली साइड पे आके दो यहाँ पे ना दो स्टिकी पिस्टन लगा देना ऐसे। और फिर इसके ऊपर ना अब हम इसके ना पंख बनाएंगे। क्या बोला तूने? पर बनाएंगे, पर जाके इलाज करो अपना। यहाँ से आप अपनी मर्जी से ले आना, मैं छह ब्लॉक तक ले आया। और अब इसके आगे ना एक फ्रॉग लाइट लगा देना, सेम ये चीज इधर भी करना, एक दो तीन चार पाँच छ और एक फ्रॉग लाइट। फिर हम इसके नीचे ना यहाँ पे ना दो ट्रैप डोर लगा के ऐसे खोल देना, ये इसके टायर बन जाएंगे। और इसके आगे इधर भी वाली जगह पर ऐसे। और फिर यहाँ से ऊपर आना और यहाँ से ना रेल और माइन कार्ट ले लेना, और एक रेल इधर लगाना इधर और एक इधर, और इसके ऊपर ना माइन कार्ट प्लेस कर देना। फिर इधर ना नीचे आना और यहाँ पे नीचे ना आयरन का ट्रैप डोर लगा देना, एक इस साइड पे और एक इस वाली साइड पे। फिर इस ब्लॉक को ना यहाँ से तोड़ देना ऐसे करके, ताकि इधर ना रेल आके जुड़ जाए। और फिर इसको ना आप ऊपर से ना कवर कर देना स्लैब के साथ ऐसे करके। इसके ऊपर माइन कार्ट रख के ना इसको तोड़ देते हैं और फिर अब इसके ऊपर लगाते हैं ऐसे। ये पायलट के बैठने की जगह और फिर इसके पीछे पैसेंजर्स की। और फिर इसको ना ग्लास से ही कवर कर देना वापस। ये पूरा हेलीकॉप्टर बन गया है, बस अब हमने ना इधर पीछे आना है इससे और यहाँ पे ना एक ग्लास प्लेस करना है। पहले ना डे कर लेते हैं ताकि उसके ना सारा सब कुछ सही नजर आए। बस अब हमने यहाँ पे ना एक लगाना है ग्लास और फिर ये वर्क करना चाहिए। भाई साहब ये देखो, पहली ट्राई में भाई वर्क कर रहा है। अगर तो इसको करने में मुझे दो ट्राई लगती ना, तो भाई मेरा तो सारा टाइम इधर ही चला जाता। बस अब आप इधर आके ना बैठ जाना ये वाली जगह पे, एक सेकेंड बैठ जा भाई मेरे, ये चीज ऐसे करके। आप इधर भी बैठ सकते हो, इधर भी बैठ सकते हो, यहाँ पर भी बैठ सकते हो। भाई इसकी दूसरी वाली रेल किधर गई है? चलो कोई नहीं, पायलट भी तो एक ही होता है, दो होते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर सिर्फ एक ही बताया। इसके अंदर एक मसला है कि बस इसके ना ये वाले जो पर है ना, ये घूमते ही नहीं है, ये ऐसे ही बस आगे जाते हैं। ओ चूना लगा दिया। तो हेलीकॉप्टर तो हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, तो चलो चलते हैं अभी से नेक्स्ट वाले पर। तो भाई अब हम लोग एक फाइटर जेट बनाएंगे, इसके लिए भी पहले हमने ऊपर जाना है भाई। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं भाई, इतना मेरे हिसाब से बहुत है ऊपर। और बाकी सारे ब्लॉक्स को ना तोड़ देते हैं नीचे से, उन सारों को मैंने तोड़ दिया। तो इधर आपने ना एक नॉर्मल पिस्टन लगाना है और उसके आगे स्लैम का ब्लॉक, और इधर ना आपने दो ऑब्जर्वर लगाने हैं जिनका फेस ना नीचे की तरफ हो ऐसे करके। और इसके साथ ही सेम इधर भी यूं करके,
और इसको तोड़ देना। यार ये आगे क्यों चला गया, इसको इसके साथ बनाना है हमने। यू तो फिर इधर से नीचे आके ना यहाँ पे भी एक नॉर्मल पिस्टन लगाना और इसके आगे ना एक स्मूथ स्टोन का ब्लॉक इसको तोड़ देना, इसमें ना एक गैप रखना बीच में। तो फिर इसके आगे आप एक टेराकोटा लगाना और फिर इसके आगे ना आप चार स्टोन स्मूथ स्टोन के ब्लॉक्स, और फिर इधर आके ना इसको तोड़ना, इस वाले को तोड़ना और यहाँ पे ना एक ऑब्जर्वर लगाना है एक सेकंड ऐसे करके जिसका एरो इस तरफ हो, और फिर यहाँ पे भी एक नॉर्मल पिस्टन लगाना और इधर एक गैप छोड़ के ना यहाँ पे एक स्लाइम का ब्लॉक और इधर एक और नॉर्मल पिस्टन, स्टिकी पिस्टन नहीं, और यहाँ पर एक स्मूथ स्टोन का ब्लॉक लगाना। यार मैं गिर रहा क्यों हूँ, और यहाँ पे भी एक टेराकोटा लगा देना, और फिर इसके आगे से ना यहाँ पे चार स्मूथ स्टोन के ब्लॉक लगाना और फिर इसके आगे एक स्लैब लगा देना पॉलिश एंडरसाइड की। ये स्लैब ना पूरी यहाँ तक लगाना नीचे ऐसे करके, ऊपर ना लगाना नीचे ही लगाना, और फिर इधर आके ना यहाँ पे एक स्मूथ स्टोन का ब्लॉक लगाना और यहाँ पे एक स्लैम का ब्लॉक, और फिर इधर ना ये जो डीप स्लेट की स्लैब है ना ये लगा देना ऐसे करके, तो ये कुछ ना ऐसा बन जाएगा। और यही वाली स्लैब को ना यहाँ पे भी लगा देना इनके ऊपर। तो फिर यहाँ से पीछे आके ना यहाँ पे एक लगाना, क्या नाम लेते हैं, स्टिकी पिस्टन एक इस साइड पे सेम, और यहाँ पे ना ऐसे करके यूं बना देना ऐसे एल्सा, और इनके ऊपर ना आप इधर स्टेयर्स लगा देना ऐसे, और फिर इधर नीचे में ना आप यहाँ पे ना स्लाइम के ब्लॉक लगाना ऐसे करके, और इधर एक ऑब्जर्वर प्लेस करना जिसका ऐसे फेस हो एरो मतलब, और यहाँ पे ना एक नॉर्मल पिस्टन लगा देना ऐसे करके, और इधर ना आप एक एंडर साइड का स्लैब लगाना और एक डीप स्लेट का स्लैब ऐसे लगा देना, और इस वाली साइड पे भी सेम यू ही करना है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगाना, एक नॉर्मल पिस्टन इसको बढ़ाना पहले, यहाँ पे एक डीप स्लेट का लगाना और इधर एक पॉलिश एंडर साइड का। भाई मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया था लेकिन मैंने इसको फिक्स कर दिया, और फिर इसको ना यहाँ से कवर कर देना पूरे को स्टोन के ब्लॉक से इधर तक ले आना ऐसे करके, और फिर यहाँ पे एक स्लैम का ब्लॉक लगाना और इधर एक और स्मूथ स्टोन का ब्लॉक, इसके आगे भी एक स्टोन का ब्लॉक लगाना और यहाँ पे ना एक डीप स्लेट की स्लैब लगा देना, और स्लैब से ना इधर इस वाली जगह पे आना, इधर ना एक ऑब्जर्वर लगाना और उस ऑब्जर्वर के पीछे ना एक स्टिकी पिस्टन लगा देना, और इसके इधर ना एक स्लैम का ब्लॉक और एक इधर भी यहाँ पे चार लगाना, और इस वाली जगह पे ना दो स्टोन के ब्लॉक लगा देना और यहाँ पे ना स्लैब्स लगा देना ऐसे करके, इस वाली को तोड़ के ना यहाँ पे डीप स्लेट का लगा देना। सेम यही चीज फिर ना इस वाली साइड पे भी करते हैं, यहाँ से लेके इधर तक स्टोन के ब्लॉक लगाने हैं इधर तक। ये जगह खराब हो गया यार, एक सेकंड फिर से इसको मैं बनाता हूँ। बस अब ये इस साइड से भी सेम बन गया, इस साइड से भी सेम बन गया। तो भाई अब हमने ना यहाँ पे बैठने का जुगाड़ करना है, उसके लिए हमने इस वाली जगह को तोड़ लेते हैं, चेन को ना एक इधर लगाना और एक यहाँ से इधर, और फिर ग्लास का ब्लॉक ले लेना, ग्लास के ब्लॉक को ना इधर एक ऐसे करके लगा देना, फिर अभी जैसे रेल और एक माइन कार्ट ले लेना उसको ना इस वाली जगह पे लगा देना, इसके ऊपर माइन कार्ट लगा के इसको तोड़ देना रेल को। तो फिर ये हमारा बन गया, अब बस पूरा ही मतलब रेडी हो गया, इसको यहाँ से ना ऐसे बस रख देना। यहाँ पे ना हम श्रूम लाइट लगा देते हैं, श्रूम लाइट कह रहा हूँ सी लैंटर्न, उसको इस वाली जगह पे ना ऐसे लगा देते हैं रोशनी के लिए, एक इधर लगा देते हैं, सेम इसी को भी यहाँ से ना तोड़ देते हैं ऐसे लगा देते, उस वाली साइड पे भी यही करते हैं, ये वाली साइड से तोड़ के इसको ऐसे लगा देते हैं। तो बस अब ये हमारा पूरा बन गया, और भाई साहब ये तो वाकई में ही एक फाइटर जेट लग रहा है, ये देखो इसको ना आगे से भी थोड़ा बड़ा करके ना इसको भी ऐसे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे भी एक लैंटर्न लगा देते हैं। भाई साहब ये चेक करो, ये कितना फिट लग रहा है, रियल जेट से कम नहीं ना लग रहा। अब ये बन गया है, बस अब हमने इधर एक ब्लॉक लगाना है, फिर ये वर्क भाई ये बस इसमें टकराए ना, तो बस इस सारे को मैंने तोड़ दिया। अब चलो चलते हैं जल्दी से यहाँ पे एक ब्लॉक लगाते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं, इसके अंदर मेरी बहुत मेहनत लगी है, बस कुछ खराबी ना हो। 1 2 3 गो। यार ये क्या हो गया भाई, ये बाकी सारा क्यों नहीं चला? और भाई साहब इधर तो मैंने ये स्लाइम का ब्लॉक ही नहीं लगाया, तो उसने चलना कहाँ से? चलो अब वापस इसको टेस्ट करते हैं। यार ये खराब क्यों हो रहा है, क्या चीज गलत करती है मैंने? एक सेकंड रुको, मैंने इसको वापस से ठीक करता हूँ, पता नहीं कुछ खराबी आ गई है इसमें। 6 hours later। तो भाई सारे को मैंने फिर से बना लिया, मतलब ये बिल्कुल हल्की सी गलती आई थी, इस वाली जगह पे मैंने इसके करीब बना दिया था, बिल्कुल सही अब बन गया। अब पहले हमने इधर स्टोन का ब्लॉक लगाया था, वो वर्क नहीं किया था, मतलब जो भी ब्लॉक लगाया था वो वर्क नहीं किया था। तो बस अब इसको ट्राई करते हैं, तो 1 2 3। भाई साहब ये क्या हुआ है? प्रैंक हो गया। चलो इधर ब्लॉक लगे रहने देते हैं। भाई ये क्या हो गया इसको?
मैं खुश हो रहा था कि ये वर्क कर गया। भाई साहब ये फिर तो नहीं कुछ खराबी आ गई इसमें। भाई इसकी जगह ना हम लोग स्टिकी पिस्टन लगा के चेक करते हैं कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। इस वाली जगह से मैंने इसको क्यों तोड़ दिया, इधर क्या थी स्लैब थी। चलो अभी उसको भी लगा देते हैं वापस से, अब तो ये वर्क करना चाहिए। भाई साहब इसको क्या मसला आ रहा है यार। भाई बस अब आपने इसको ये जेट को बनाना और ऐसे खड़े कर दो। चलो ये वाला तो हमारा फेल हो गया, इसको ना अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जरूर ट्राई करेंगे यार, उस पर क्या पता उसमें वर्क कर ही जाए। भाई मैंने फाइटर जेट के ऊपर इतनी मेहनत की थी लेकिन वो यार वर्क ही नहीं किया, अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ और बनाने का। तो इस वीडियो को ना यहाँ पर ही एंड करते हैं। ये वाला जो फाइटर जेट है ना इसको मैं ऑफ कैमरा या नेक्स्ट वाली वीडियो में जरूर ट्राई करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, बाय।